प्रदर्शन कर रहे हैं बीसी ऑफिस के सामने, किस तरह से आक्रोशित है आप देख सकते हैं, किस तरह से पुलिस प्रशासन उनको रोक रही है और ये अंदर जाने के लिए पुलिस प्रशासन। देखिए पुलिस कैसे जबरदस्ती कर रही है, देखिए पुलिस कैसे जबरदस्ती कर रही है। हम लोग तो बात नहीं कर रहे पटना कॉलेज का प्रिंसिपल क्यों नहीं कर रहे भाई, हम गेट बंद कर दिया गया कि आप अंदर ना छात्रों का भी है, छात्र अपना राय रख सकता है और उसका जवाब मांग सकता है, जवाब देने के लिए प्रिंसिपल बाहर क्यों नहीं आ रहा है, क्या लग रहा है बल का प्रयोग किया जा रहा है? बिल्कुल बल का प्रयोग, देखिए देखिए कैसे खेला जा रहा है, बिल्कुल बल का प्रयोग किया जा रहा है, लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं है। क्यों चढ़ रहे हैं गेट पे चढ़ के, क्या लगता है प्रिंसिपल बात नहीं करेंगे तो हम लोग जाएंगे भी नहीं, हम लोग यही रहेंगे और जब तक पटना विश्वविद्यालय का प्रिंसिपल और वीसी नहीं हमारी बात सुनते तब तक हम यही रहेंगे और यहाँ से हिलने वाले नहीं। जब जब यूनिवर्सिटी प्रशासन डरता है पुलिस को आगे करता है, पीयू वीसी मुर्दा बोल, यहाँ पे रोका बोल, क्या कीजिएगा आगे? आगे आप देख लीजिए छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते काम किया जा रहा है, प्रिंसिपल प्रिंसिपल छात्रों से मिलता तक नहीं है, पटना कॉलेज का प्रिंसिपल छात्रों से मिलता नहीं है, ना उनकी समस्या को सुनता है ना समाधान करने का काम करता है। किस तरह से यहाँ पे रोका जा रहा है इनको और ये लोग वीसी और प्रिंसिपल से बात करने के लिए हमें पहुंचे हुए हैं और पुलिस का, क्या आप लोग को लगता है यहाँ पे आकर देख रहे हैं? हम लोग यहाँ पे आए थे हॉस्टल में रह के पढ़ने के लिए, पर यहाँ पर मैनेजमेंट इतना खराब है कि पढ़ाई तो हो नहीं रहा, सिलेबस चेंज कर दिया गया, ऊपर से हॉस्टल भी बंद कर दिया गया, हमें बाहर रूम भी नहीं मिल रहा है, पटना कॉलेज का नाम सुनकर रूम नहीं मिल रहा है, आप भी भाग ले रहे हैं इस प्रोटेस्ट। हाँ तो देख सकते हैं किस तरह से बच्चे यहाँ पे आक्रोशित है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे कितने आक्रोशित है और बीसी से बात करने के लिए यहाँ पे गेट जबरदस्ती खोला जा रहा है, जिसकी वजह से प्रशासन जो है इनको रोकने पे लगी हुई है और इनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर हॉस्टल्स को नहीं खोला जाएगा तो आगे जाके और कल होकर प्रदर्शन करेंगे और जिस तरह से पुतला दहन किया जा रहा है और भी पुतला जलाया जाएगा, ताला लगा दिया गया है, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे ताला लगा दिया गया है कि बच्चे जो है स्टूडेंट्स जो भी हैं हॉस्टल बंद करने पे जितने भी बवाल उठा रहे हैं वो अंदर ना जा सके। अब देखना यह है कि इनकी बात वीसी कब सुनते हैं और हॉस्टल कब से खुलता है। मैंने रही कशिश न्यूज़ के